अतुल जी, मैं तो कैप लगा के इसलिए आता हूँ ताकि लोग मुझे भी देख लें। अतुल के अलावा कोई किसी को देख नहीं रहा है कम्बल। अब बताओ, नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल अवर डॉक्टर फरीद खान सर फॉर इंट्रोडक्शन अवर डिपार्टमेंट। गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। नमस्कार, जैसा कि आप अभी जानते हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ द वाजपेयी कॉलेज अलीगढ़ वॉज स्टार्टेड विद टू डिपार्टमेंट्स इन 1947, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एज वेल एज डिपार्टमेंट ऑफ लॉ। इन द वेरी बिगनिंग देयर वर ओनली 5 टीचर्स, दीज वर द प्रैक्टिसिंग लॉयर्स। एडवोकेट धर्मपाल जी वॉज दी हेड। द जर्नी स्टार्टेड, presently there are 10 regular teachers in the department, though there are 3 vacancies are left which we are waiting that the states will fulfill recently. Vajpayee College undergraduate department hai. हम उम्मीद करते हैं कि हमारे एनर्जेटिक प्रिंसिपल साहब, हमारे चीफ गेस्ट जो दोनों यहां आए हैं, उनको शायद इसीलिए तकलीफ दी गई है कि हमारी इस पीड़ा को वो किसी न किसी हद तक दूर करेंगे और वाजपेयी पब्लिक में LLM का हम शुभारंभ करेंगे। बहुत जल्दी चाहे वो किसी भी लेवल पर हो, रेगुलर हो या सर्फिनांस लेवल पर, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसी में ही काम करें, क्योंकि ये सेपरेट डिपार्टमेंट है, सेपरेट बिल्डिंग है, सेपरेट लाइब्रेरी है, सारे कमिटेड टीचर्स हैं जो हर तरह की क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं। 10 में से ज्यादा टीचर्स PhD हैं, सभी एलिजिबल हैं और किसी भी हद तक किसी भी तरह के काम के लिए जो एकेडमिक से रिलेटेड होगा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे जो सामने बच्चे बैठे हैं ज्यादातर उसमें से LLB फर्स्ट ईयर के हैं, सेकंड ईयर के कम है और थर्ड ईयर के उससे भी कम है। 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है जिसमें हम पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग, लीगल एड एंड पैरालीगल सर्विसेज, लोक अदालत ये सब बताते हैं, लोक अदालत विजिट कराते हैं, सुप्रीम कोर्ट विजिट कराते हैं, पार्लियामेंट विजिट कराते हैं और लीगल एड कैंप के तहत हम नियर बाई विलेजेस में कैंप लगाते हैं ताकि वहां के लोगों को उनके अधिकारों से उन्हें बताया जा सके कि किस तरह के उनके लीगल राइट्स होते हैं, कहां कहां वो उनका प्रयोग कर सकते हैं और अगर किसी तरह का उनको पीड़ा हो रहा है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉ काफी अलग तरह की एक्टिविटीज करता रहा है। हम हर तरह के जो दिवस हैं, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ डे हो, महिला दिवस हो, लीगल राइट्स डे हो या लीगल अवेयरनेस फोरम हो, सब हमारे यहाँ पे हमेशा से होता रहता है। हम उसको कोशिश करते हैं पूरी तरह से करने की। LLB फर्स्ट ईयर का ये एक पार्ट है जिसके तहत ये जो इंडक्शन प्रोग्राम है या गेट टुगेदर प्रोग्राम है या ये कल्चरल प्रोग्राम है, जो भी आप समझें कि बच्चे LLB के होते हुए भी आप देखेंगे ज्यादा अनुशासित। कहा यह जाता है कि जिसको एडमिशन नहीं मिलता है वो LLB में एडमिशन लेता है और अनुशासित बच्चे बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है अभी प्रैक्टिस करने भी चले जाएंगे थोड़ी देर में। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर दूं कि जब मैंने LLB फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर लिखा हुआ था, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा तो आज मैं भी साहिब औलाद हो गया। वैसे ये कोई अच्छी बात नहीं है जब तुम खुश हो रहे हो, इसका मतलब इनको शैतान की औलाद कहा गया, तो पहले समझ लेते। बहरहाल फर्स्ट ईयर में जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ज्यादातर वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें हम ज्यादातर स्टूडेंट्स को यही बताया जाता है व्हाट इज लॉ, और इसको समझना आसान होता है, इंप्रेसिव होता है और वो जल्दी समझ में आती है। सेकेंड ईयर में जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़ा ड्राई हो जाते हैं, प्रोसीजरल सब्जेक्ट्स होते हैं और उसमें बताया जाता है हाउ इट इज,
चाहे वो सीपीसी हो, सीआरपीसी हो, एविडेंस हो, तो इसके कंपैरिजन में हाउ को समझना मुश्किल होता है। इसीलिए जो सब्जेक्ट्स हैं शुरुआती दौर में बताए जाते हैं और थर्ड ईयर में यही सब्जेक्ट आगे चल के वाई की तरफ इशारा करते हैं कि आपने इसको समझ लिया, हाउ को समझ लिया, वाई इट इज द लॉ या वाई इट इज दिस काइंड ऑफ लॉ, ये समझना और मुश्किल हो जाता है। चाहे वो इंटरनेशनल हो, एनवायरमेंट लॉ हो, लेबर लॉ हो, लॉ ऑफ इक्विटी हो, कि इक्विटी के बिना पे कैसे कानून बनता है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। सभी लॉ डिपार्टमेंट्स में हमारे यहाँ भी मूट कोर्ट का स्पेशल काम होता है। 2007 में जब नेक इंस्पेक्शन हुआ तो हमारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छी तरह से मूट कोर्ट का जो प्रोग्राम था पेश किया। स्पेशल तौर पे उस टीम ने हमारे इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस की। इस बात भी हमारे एलएलबी थर्ड ईयर के बच्चे उसको तैयार कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही अच्छे तौर पर उसको पेश किया जाएगा। इसी के साथ डिपार्टमेंट के हमारे जो फिलहाल लीड करती हैं डॉक्टर सीमा यादव, मेरे दूसरे साथी जो कि इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर भी हैं, एलएलबी फर्स्ट ईयर एक्सटेंशन लेक्चर के कोऑर्डिनेटर भी हैं, डॉक्टर शाहराज़ खालिद साहब, बाकी मेरे और साथी खुर्शी साहब बैठे हुए हैं, सिंपलेस ऑनेस्ट भले आदमी, और मालूम उधार लेके जा रहा है आदमी पैसे लेके और कह रहा नहीं साहब आपने तो मुझे यूं ही गिफ्ट दे दिया था, और मैं पूछता रहता हूँ तनखा कब आई ताकि कभी मैं भी ले लूं। इतने सीधे आदमी एलएलबी में टीचर बन रहे, बताओ। अतुल जी, मैं तो कैप लगा के इसलिए आता हूँ ताकि लोग मुझे भी देख लें, अतुल के अलावा कोई किसी को देख नहीं रहा है कम्बल। अब बताओ, मैं पहले मनोज शर्मा जी से जलता रहता था, अब अतुल जी मेरे बराबर बैठे हुए। कुछ लोगों को देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है, चाहे वो रतन हो या खुर्शीद भाई हो, के भविष्य यही है, आने वाले वक्त में मेरा बिल्कुल साथ देंगे। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।